हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर और सोयाबीन की सब्जी। इसके लिए हमने लिया है नमक आधा चम्मच, मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच, प्याज दो बारीक काट ली है हमने जो देखी, सोयाबीन का चूरा एक कटोरी, पनीर जो हमने जो है ऐसे मैश कर लिया है, थोड़ा बारीक कर लिया है, तेल एक चम्मच, लहसुन प्याज का पेस्ट एक चम्मच, मिर्च लाल मिर्च का पेस्ट एक चम्मच डाल ली है, उसमें जो है एक चम्मच करीब तेल डाल देंगे। तेल को हम गरम कर लेंगे, हो गया है। इसमें हम डालेंगे प्याज दो बारीक प्याज जो हम पहले बारीक काट लिए, गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। नमक आधा चम्मच, आधा चम्मच प्याज हाथ से मिक्स कर देंगे नमक को। का पेस्ट डाल दिया है एक चम्मच, सोयाबीन का चूरा डाल देंगे एक कटोरी, सोयाबीन का चूरा है ये जो हम डाल देंगे। हमने सुबह जो हमने आधे घंटे पहले जो है पानी भिगो ली थी, भीगी हुई सोयाबीन का चूरा है जो मैंने निचोड़ के जो है सोयाबीन को डाल दिया है। इसको जो है 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। पाँच मिनट बाद जो है हमारी सोयाबीन जो है फ्राई हो गई। इसमें हमने एक चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट
डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच हल्दी, जो है पानी ऐड कर देंगे। करीब 5 मिनट तक हम जो है अच्छे से पका लेंगे। घी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। पाँच मिनट तक अच्छे से बने रहेंगे। करीब 10 मिनट तक हमने जो है सब्जी को बना लिया है। ये देखिए हमारी सब्जी जो है बन के रेडी हो गई है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमारी सोयाबीन पनीर की सब्जी जो है बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। और बनने के बाद हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।